वेलकम डियर लर्नर्स, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3। तो इसमें है एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो उसमें है क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन यू है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। यानी सवाल इस तरह कह रहा है कि 10 बच्चे 10वीं जमात के हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है मैथमेटिक्स क्विज में। तो सवाल यहाँ पर यूं कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा है लड़कों से, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टू पार्ट इन द क्विज। हमें नंबर बताना है गर्ल्स और बॉयज का। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली, इसका सोल्यूशन हमें यहाँ पर ग्राफिकली निकालना है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं सपोज करूंगा लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड बॉयज बी वाई। सपोज मैंने यहां पर किया गर्ल्स का जो नंबर होगा वो एक्स और बॉयज का वाई। तो सवाल यहां पर कह रहा है, गिवन दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 10, दैट्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। इसको हम करेंगे मार्क फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। उसके नेक्स्ट में, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कियों का जो नंबर है वो 4 है ज्यादा लड़कों से। अगेन गिवन इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स is more 4 than the number of boys, ये हम लिखेंगे। यानी यहां पर बनेगा इस तरह क्वेश्चन कि अगर हम ऐड करेंगे 4 लड़कों के साथ तभी जाकर वो बनेगा लड़कियों का तादाद बराबर, ठीक है। उसके आगे ये क्या बनेगा, यहां पर फिर ये बनेगा एक्स माइनस 4 इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, या इस तरह से हम कहेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इज एक्स, उसमें से हम करेंगे माइनस नंबर ऑफ बॉयज, वो तो आएगा 4 क्योंकि 4 गर्ल्स इससे ज्यादा है, ठीक है। इसको हम करेंगे मार्क सेकंड इक्वेशन। अब हम यहां से वैल्यूज निकालेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में से, ताकि हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहां पर फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, एक्स और वाई के बदले में हम क्या वैल्यू देंगे, ताकि यहां पर 10 आएगा। से यहां पर मैं 5 एंड 5 लूंगा, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। अगर मैं यहां पर x लूंगा 6 प्लस डैश इक्वल टू 10, 4 आएगा तब y के बदले में, ठीक है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो यहां पर सेकंड इक्वेशन के लिए यहां पर x माइनस y इक्वल टू 4, से यहां पर मैं x का वैल्यू लूंगा 4 माइनस, तब y का वैल्यू आएगा 0 की, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। अगर यहां पर मैं लूंगा x का वैल्यू 5, तो y का वैल्यू 1 होना चाहिए, क्योंकि 5 माइनस 4 इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहां पर हमें सेकंड इक्वेशन की कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब यहां पर मैं ग्राफ ड्रा करूंगा, तो फिर इसका सोल्यूशन निकालेंगे। इस पर मैं मार्क करूंगा नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो ऑन। यहां से भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो ऑन। तो यहां पर
माइनस वन, यहाँ पर भी माइनस वन माइनस टू, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने नाइस नेगेटिव साइड को छोड़ दिया। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में जब एक्स का वैल्यू 5 है तो उस वक्त वाई 5, एक्स 5 वाई 5, एक्स 5 वाई 5, यहाँ से हम जाएंगे आगे, यहाँ से जाएंगे आगे, तो ये हम पर आएगा ये एक्स 5 वाई 5। उसके बाद इसमें x6 y4, x6 y4, यहाँ पर जाएंगे हम आगे ऊपर, तो यहाँ से आएंगे हम 4 के ओर, यहाँ पर आएगा ये x6 y4, तो यहाँ पर है ये 5 and 5। अब हम इन दो पॉइंट्स के बीचों बीच ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये किसका ग्राफ है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x+y=10। अब सेकंड इक्वेशन के लिए x4y0, x4y0, तो यही पॉइंट आएगा ये x4y0। सेकंड पॉइंट x5y1, x5y1, यहां से हम ऊपर जाएंगे तो यहां 1 के सामने हम आगे बढ़ेंगे, यहां पर आएगा ये x5y1। अब हम इन दो पॉइंट्स के बीचों बीच लाइन ड्रॉ करेंगे यहां पर इस तरह से। तो ये जो ये लाइन बन गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, x-y=4, x-7, x-y=4। अब देखिए यहां पर सॉल्यूशन क्या होगा, जहां पर इन दो लाइंस ने आपस में इंटरसेक्ट किया, यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर हम यहां से देखेंगे, यहां पर 7 है और यहां से हम देखेंगे 3 है ये, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो है 7 and 3। यहां पर मैं लिखूंगा सॉल्यूशन इज 7 3। 7 3 क्या है? जो पहला ये होता है, ये कोऑर्डिनेट में जो होते हैं ये नंबर्स, पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। तो एक्स का वैल्यू क्या है? x=7, y=3। एक्स का हमने किसका नंबर रखा था? गर्ल्स का। तो जो गर्ल्स का नंबर है वो है 7, गर्ल्स 7 है, एंड बॉयज वाई, बॉयज वाई, तो उसका वैल्यू 3 है। तो इसका सॉल्यूशन जो हमारे पास आ चुका है, तो इस क्विज में हिस्सा लिया 7 गर्ल्स ने और 3 बॉयज ने, और यहां पर क्वेश्चन कह रहा था कि गर्ल्स की जो नंबर है वो 4 ज्यादा है बॉयज से। ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 यहां पर यू कह रहा है, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas क्वेश्चन कह रहा है 5 pencil और 7 pen उनकी जो कीमत इकट्ठे करके है ₹50, और 7 pencil and 5 pens together कॉस्ट ₹46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and that of 1 pen। हमें एक पेंसिल और एक कलम का कीमत हमें निकालना है, सेम मेथड हमें अप्लाई यहाँ पर करना है। तो इसमें आपको मैं दिखाऊंगा कुछ, ताकि आप लोग फिर आगे जाकर खुद कर सकें इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहां पर आप लोग क्या करेंगे, यहां पर आप करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil बी एक्स से, एक पेंसिल की कीमत यहां पर हमने ₹X सपोज की, एंड कॉस्ट ऑफ 1 pen BY। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 5 pencil और 7 pens की कीमत ₹50 है। अगर हम यहां पर देखेंगे, 5, यहां पर एक हमने पेंसिल का कीमत रखा है एक्स, तो 5 pencil का कीमत क्या होगा? 5x और 7 pens, पेंस का हमने कलम, जो कलम है उसका हमने कीमत क्या रखा है? y+7y, उनका जो कीमत मिलाकर है, कुल मिलाकर वो है ₹50।
तो ये आपके सामने इक्वेशन नंबर फर्स्ट आएगी। अगेन गिवन है, दिया हुआ ये सेवन पेंसिल्स, दैट इज सेवन एक्स प्लस फाइव पेन्स, पांच कलम फाइव वाई इक्वल टू रुपीज 46। ये आपके सामने इक्वेशन नंबर सेकंड आएगी। आपको यहाँ पर सेम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वैल्यूज एक्स एंड वाई के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड में से। तो फिर आप लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ग्राफ जिस तरह से मैंने पहले क्वेश्चन पहले पार्ट में किया है। तो जहाँ पर आप लोगों के वो ग्राफ है, इन दो लाइन्स के ग्राफ जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेंगे, आप वहाँ पर चेक करेंगे उसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो वही आपका सोल्यूशन इसमें आएगा। तो डियर लर्नर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।